हेलो प्रिशा दीदी से તમને ક્યારે ખબર પડી આવે કમ वाइफ का नाम है नैन्सी, वो 11वां 12वां तक ही पढ़ी है और मेरे फैमिली में कोई विदेश है नहीं, कोई गया नहीं है, कोई आया नहीं है। हाँ, आपकी बेटी इंग्लिश बोलना शुरू की, आपको कैसे पता चला है? मेरी बेटी शुरुआत से तो थोड़ा फूटा फूटा बोल रही थी, बट जब से वो 2.5 साल की हुई उसके बाद से वो प्रॉपर इंग्लिश ही बोलती है। इंग्लिश बोलते बोलते ऐसा एक हमें लगा कि ये जो इंग्लिश बोलती है वो नॉर्मल इंग्लिश नहीं है, बराबर वो कुछ अलग प्रकार का इंग्लिश है। तो कुछ जाना उसके बारे में तो ऐसा मालूम हुआ कि ये जो भाषा है ना वो इंडिया की नहीं है, अदर कंट्री की है, जैसे US की है इस तरह से, बराबर। यानी कोई एक चीज़ कंफर्म है कि इंडिया की तो इंग्लिश है ही नहीं, बराबर। या तो फ्रांस की है, कोई बोल रहे हैं फ्रांस की है, कोई बोल रहे हैं US की है, बराबर। अदर वदर कोई भी अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। आपको मतलब कैसे समझ में कैसे आता है इंग्लिश बोलते हो? देखिए थोड़ा कुछ तो उसकी हरकत देख ही समझ आ जाता है, क्योंकि वो एक्शन करके दिखाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बराबर। कोई उसका वर्ड्स है, जैसे स्टार्टिंग में गिव मी का मतलब मुझे आंसर नहीं था कि गिव मी मतलब वो रिक्वेस्ट करे, तो जैसे जैसे उसने ही हमको सिखाया कि ये इसको ये कहते हैं, बराबर। तो स्टार्टिंग में वो कुछ एक्शन करके दिखा देते कि ये चाहिए ये करो, बराबर। बाद में कुछ भी मालूम नहीं होता था तो गूगल में से उसके वो क्या बोल रही थी ना उसका वो लेके गूगल में देख लेता था कि ये क्या कहना चाहते। इस प्रकार से हमने मेहनत अभी तक कर दिया है सब। आप क्या मानते हो इसको? मैं तो एक गॉड गिफ्ट मानता हूँ कि कुदरत का चमत्कार हो सकता है कि हमारे घर पे ऐसी बच्ची का जन्म हुआ है। तो मेरी बच्ची के फ्यूचर के लिए तो मैंने बहुत अच्छा सोचा है, बट परिस्थिति तो अभी थोड़ी मेरी डाउन है और अभी हाल ही ऐसा उसका टाइम जो हुआ है नर्सरी का हुआ है, बराबर। तो नर्सरी का टाइम हुआ है तो सोचता हूँ कि अच्छी से अच्छी नर्सरी में उसको भेजूँ, जहाँ पे वो जो माइंड अभी उसका चल रहा है बराबर, वैसे ही उसको परवरिश मिले, वैसे ही उसको एजुकेशन मिले, बराबर। उसमें कुछ कर कैसे भी करके उसको उस वैसा ही एजुकेशन दूंगा जो अभी उसके पास है, क्योंकि मैं मेरी परिस्थिति के वजह से ये नहीं सोचना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची का कुछ पैसे की वजह से कोई नॉर्मल स्कूल में एडमिशन हो जाए और वहाँ पर उसका फ्यूचर को लेकर कोई दिक्कत हो। लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? लोग तो ज़्यादातर यही कहते हैं कि ये इसका पुनर्जन्म है, बराबर। कोई ऐसा कहता है कि ये गॉड गिफ्ट है, बराबर। लेकिन मैं गॉड गिफ्ट ही मानता हूँ, पुनर्जन्म अभी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं मानना नहीं चाहता हूँ अगर होगा भी तो भी, बराबर। गॉड गिफ्ट मानना चाहता हूँ और इतना ही मानना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जो 3-4 साल
के बच्चे के बाद बोलना चालू करते हैं थोड़ा कुछ इंग्लिश, और दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चे जो बोलते हैं वो मेरी बच्ची अभी सब बोलती है करती है बराबर स्टडी लेवल में, तो उसका माइंड लेवल इतना आ गया है तो मैं उसको हाई परवेज और हाई एजुकेशन देना चाहता हूँ। संघानी है, मेरी बेटी की उम्र है 3.5 साल की है वो उसकी उम्र, और घर में हम लोग गुजराती बोलते हैं, प्योर काठियावाड़ी है, हम सौराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो है वो जो इंग्लिश में ही बात करती है, उसको गुजराती में समझ भी नहीं, गुजराती आता ही नहीं है, समझ तो लेती है लेकिन वो बोल नहीं पाती है। आपको कैसे पता चला कि इंग्लिश बोल रही है? वो जब धीरे धीरे हाय हेलो बाई से उसने बोलना स्टार्ट किया था, जैसे आगे बढ़ती गई फिर वो प्रॉपर इंग्लिश बोलने लगी, फिर भी हमें ऐसा लगा कि थोड़े दिन बाद या थोड़े टाइम बाद तो वो धीरे धीरे हमारी गुजराती भाषा भी सीख ही जाएगी, लेकिन फिर उसने गुजराती बोलना ही बोली ही नहीं और इंग्लिश ही बोलना चालू रखा। इसका रूटीन टाइम क्या है सोने का? उसका रूटीन टाइम रात को 3 बजे वो सोती है और सुबह 10 या 11 बजे वो उठती है। अचानक कैसे ये सब बदलाव देखो, क्या कैसा लगा? नहीं अचानक बदलाव नहीं, उसका बदलाव तो रेगुलर, वो जब पहले से उसका टाइम तो यही है, लेकिन वो बोलती थी तो हमें जब उसने स्टार्ट किया बोलना तो नॉर्मल सा इंग्लिश बोलती थी, लेकिन जैसे बड़ी होती गई वैसे उसने प्रॉपर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। आपको कितनी दिक्कतें होती है? दिक्कतें में वैसा होता है कि अगर वो कोई ऐसी चीज मांगती है जिसका हमें भी नहीं पता होता है कि वो क्या मांग रही है, तब हमें दिक्कत आती है कि हमें हाथ पकड़ के लेके जाती है कि मुझे ये वाला चाहिए, तब हमें पता चलता है कि ये मांग रही थी। कुछ तरह का कुछ ट्यूशन वगैरह लगवाया था इसका? नहीं ट्यूशन तो नहीं लगवाया था, लेकिन हम जहाँ रहते थे वहाँ बाजू में एक लेडी रहती थी, उसको मैंने बोला था कि आप गुजराती सिखाओ उसको, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था, फिर भी उसको गुजराती नहीं आई। कुछ चीज मांगते थे कैसे आप उसको देती है? कुछ चीज मांगती है तो अब तो 3.5 साल की हो गई है, तो अब तो मुझे भी पता चलने लगा है कि वो क्या मांग रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी नहीं समझ आता है, ऐसी चीजें वो मांगती है तो फिर वो मुझे हाथ पकड़ के लेके जाती है कि दिखाती है मुझे ये चाहिए। हाँ मैंने गूगल का ये उपयोग किया था कि उसने मुझसे मेरे पास एक चीज़ मांगी थी खाने की, कोई एप्पल फ्राई करके है, तब तो मैंने गूगल में सर्च किया था कि एप्पल फ्राई क्या है, तब तो मुझे पता चला था कि जो विदेश में एक कोई केक का नाम है जो एप्पल फ्राई करके है, तब तो मुझे मालूम पड़ा था कि ये जो मांग रही है वो एप्पल फ्राई मांग रही है। आप क्या मानते हो बच्चे को मिली था? बच्ची मिली है तो मैं तो अपने आप को भी खुशनसीबी मानती हूँ, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट ही है कि गुजरात में बच्ची, गुजरात में सारे बच्चे गुजराती ही बोलते हैं, उसको इंग्लिश सिखाने के लिए हमें ट्यूशन रखना पड़ता है, लेकिन मेरी बच्ची को इंग्लिश सिखाने के लिए नहीं लेकिन गुजराती सिखाने के लिए मुझे ट्यूशन रखना पड़ेगा। नहीं पुनर्जन्म में तो मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन सब बोलते हैं कि उसको उसका पुनर्जन्म होगा या कुछ पिछले जन्म का कुछ याद होगा ये सब।